सोयो गेमर्स फाइनली गरीना फ्री फायर के अंदर एक न्यू लक रॉयल देखने को मिला है, जिसके अंदर एक नहीं दो नहीं पूरे चार चार आप लोगों को M1887 की स्किन देखने को मिल रही है। तो आज के वीडियो में आपको चारों के चारों निकाल के बताएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोग यहां देख सकते हो M1887 रिंग यहां लिखा हुआ है, और इसके अंदर आपको कौन सी गन स्किन देखने को मिलेगी, तो यहां आप लोगों को देखने को मिलेगी ये रेड टाइप की जो आप लोगों को यहां से दिख रही है, जिसके अंदर डैमेज सिंगल मिलेगा, रेट ऑफ फायर डबल मिलेगा, मूवमेंट माइनस देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे रहेगी गाइस हमारी इससे पहले वाली रमदान की जो है एमरोल्ड पावर वाली, जिसके अंदर रेट ऑफ फायर डबल होगा, रिलोड स्पीड प्लस होगा और मूवमेंट स्पीड माइनस देखने को मिलेगी। वहीं नई की बात करें तो न्यू के अंदर गाइस आप लोगों को हमारा सेम टू सेम देखने को मिलेगा, इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप लोग देख लो गाइस दोनों में डिफरेंस आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ उधर उधर कर दिया है। मतलब इसके अंदर आपको रेट ऑफ फायर डबल है तो इसके अंदर आपको हमारा रिलोड स्पीड डबल देखने को मिलता है, वही डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी दोनों के एट्रीब्यूट सेम टू सेम रहेंगे। तो यहाँ गई ना थोड़ा लूटने की कोशिश कर रहा है, और साथ में आपको येलो वाला भी दिखेगा जो शोल्डर बस्ट है वो भी, जिसके अंदर एक्यूरेसी डबल देखने को मिलेगी। तो तीन मेरे पास पहले से ही है, हमारा रेड वाला, फिर इससे पहले रमदान वाला और ये, तो अब मुझे यही निकालना है। तो कितना डायमंड लगेगी, तो चलो गाइस देखते हैं। 6400 डायमंड पड़े हैं मेरे पास, और हाँ ये सभी के मेरे वीकली और मंथली मेंबरशिप के है। मैंने कोई भी पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हूँ, तो दल्ला नहीं हूँ फ्री फायर का गाइस, अपने खुद के पैसे वेस्ट करके डायमंड लिए हुए, तो जो भी बता रहा हूँ आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ओके, तो मेरा अगर गाइस आपको ओपिनियंस की बात करें तो शाम को आपको वीडियो देखने को मिलेगा, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आप लोग आपके मेरी तरह खुद के डायमंड वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा और वेट कर लेना, अभी तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि कितने डायमंड लगेगी, लेकिन दोनों का आपको कंपैरिजन भी दिखा दूंगा इन दोनों का, ये वाला और ये वाला, क्योंकि मेरे पास दोनों हो जाएगी। अभी मैं इसको निकाल ही दूंगा डायमंड वेस्ट करके, फिर आपको दोनों का कंपैरिजन का अलग से वीडियो मिलेगा। तो चलो करते हैं पहली स्पिन और देखते हैं कितना डायमंड लगता है। हमारा पहली स्पिन रहेगी 200 डायमंड की, जिसके अंदर 10 बॉक्स हमें मिलेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं 10 बॉक्स में हमें क्या मिलता है। पहले में वो सिंगल नहीं भाई, इतने से तो टोकन से कुछ नहीं होगा। अगर ये 250 वाला टोकन लग गए तो मजे आ जाएंगे, लेकिन मजे आ जाएंगे ऐसे बोल रहा हूँ, अभी मजे आए नहीं है। तो यहाँ 200 डायमंड में कितने टोकन मिलते हैं, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 17, 17 और 3, 20, 21, 22 मिले मुझे, तो टोटली चाहिए 250 टोकन। तो 250 टोकन में ये मिलेगा, और ये तो मैं देख ही नहीं पाता क्योंकि मेरे पास पहले से ये, तो 250 टोकन लगेगी। ओके चलो लेट से देखते गाइस। तो हमारे पास 22 टोकन हो चुके हैं 200 डायमंड में, अब ये हो गए हमारे 400 डायमंड, और इसको स्किप करते हैं। और यहाँ से और कितने मिल चुके, तो यहाँ से अच्छा एक्सचेंज पे ये कुछ मिल रहा है, तो 22 से सीधा 50 पे चले गए, 400 डायमंड हो चुके हमारे। ओके गाइस डायमंड सिर्फ आप लोग काउंट करना, तो इसमें 5, 10 है। ओके 10 मिला मुझे गाइस, तो टोटली 78 पे पहुंच गए। यहाँ से 800 में आपको डायमंड सिर्फ काउंट करके दिखा रहा हूँ, 800 हुआ तो यहाँ से 98 पे पहुंच गए, 1000 हो चुका है मेरा। ओके सीधा मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो क्या कर सकते। तो 124 हो गया, 1000 हो गया, यहाँ से 1200। ओके वापस 5, 3, 3, 5। ओके ये 1200 टोकन हुआ, 1400 डायमंड, सॉरी टोकन नहीं, 1400 डायमंड हुआ। ओ ये क्या लगा भाई, इसमें 10 भी है, 5 भी है, 5 भी है, 5 भी है, तो 25-30 अराउंड निकल चुके, तो 178। और ये हो गया 1600 डायमंड मेरे यहाँ लगे, नहीं भाई 250 जाना है, सॉरी गाइस गलती हो गई, 250 पे जाना है, 250 पे मुझे लगा 200 पे मिल जाएगा। ओके सीधा निकल गया क्या, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस सीधा निकल गया, नहीं सीधा नहीं निकला, तो कुछ खास नहीं निकला। तो 1800 डायमंड हो चुके, 210 टोकन हो चुके। ओके 1800 डायमंड और ये 2000, चलो 2000 पे सीधा कुछ मिला नहीं, टोकन मिल गए बहुत सारे भाई टोकन गए, देखो 12, 17, 18, 19, 20, 21 और 24, 26, 10, 26, 10 कितने होते, 36, 36 और 5, 41 मिल गया, 251 हो चुके मेरे डायमंड। आप लोग देख सकते हो कोई दल्ले के डायमंड नहीं है गाइस, एकदम न्याय के डायमंड है, मैंने खुद वीकली मंथली बाई किया हुआ था, 6400 थे, 6400 में से आप लोग देख लो 4600 बचे गाइस। थोड़ा यार कैलकुलेट में मैथ में इतना कमजोर हूँ आर्ट्स की वजह से। ओके तो यार साइंस वाले और हमारे कॉमर्स वाले तो धड़ाधड़ काउंट कर लेंगे कितने डायमंड गए, तो आप लोग कर लेना। ओके तो अब एक्सचेंज करते, तो ये रहा हमारा M1887, मेरे 251 टोकन है, तो मैं यहाँ से एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ, चल गुरु हो जा शुरू। तो कॉन्ग्रेचुलेशन राज गेमिंग जॉन, तो ये मिल चुका हमारा M1887, तो इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है बॉस, तो एक स्क्रीनशॉट ले लेते और यहाँ से करते इक्विप। ओके आप लोग देख लो गाइस, तो ओके करते और चलो मैं आपको बाहर जाके, चारों के चारों हो चुकी है, आप लोग यहां से देख सकते हो चारों के चारों मेरे पास हो चुकी है। इसका मतलब गाइस मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके अच्छे से दिखा सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम यहां नहीं होने वाला है। और शॉटगन के अंदर और ये रहा ये वाला है गाइस देख लो,
तो मैं रिसेंटली इसको यूज कर रहा था इसको, तो अब इसको यूज करके आपको कंपैरिजन का शाम तक वीडियो मिलेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, बाकी आप लोगों को निकालना है तो 2000 डायमंड लगेगी। हमारे एक की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक जो नया है वो।